तो दोस्तों, क्या आपने ऐसा कलाकार देखा है जिसके वीडियो में व्यूज लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है? इस शख्स ने शाहरुख खान और सलमान खान जैसे कलाकारों को भी लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ दिए हैं। इस कलाकार का नाम है छोटू दादा। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के कई सितारों की फिल्मों के गाने और वीडियो यूट्यूब पर अक्सर वायरल होते रहते हैं। अपने पसंदीदा सितारों के वीडियो को फैंस खूब पसंद भी करते हैं। यही वजह है कि जो कलाकारों के गाने और अन्य वीडियो पर लाखों में व्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसा कलाकार देखा है जिसके वीडियो के व्यूज लाखों और करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है? इस शख्स ने शाहरुख खान और सलमान खान जैसे कलाकारों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस कलाकार का नाम है छोटू दादा। तो क्या आप इस छोटू दादा का रियल नाम जानते हैं? तो कॉमेंट में जरूर बताएं। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर यूट्यूबर शफीक नाटिया का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो का नाम छोटू का गोलगप्पे है। इस कॉमेडी वीडियो में लोग गोलगप्पे खाते हैं और कॉमेडी करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के मुख्य में शफीक नाटिया है। यूं तो इस वीडियो को यूट्यूब पर शेयर किए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन इसको लोग हमेशा पसंद करते हैं। यही वजह है कि छोटू दादा के गोलगप्पे वाला वीडियो पर लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में व्यूज आ चुका है। छोटू दादा एक फेमस भारतीय यूट्यूबर हैं। इनका असली नाम शफीक नाटिया है। यह अपने यूट्यूब कॉमेडी वीडियो के वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं। वर्तमान में इनके कुल 4 यूट्यूब चैनल हैं, जिनसे कुल मिलाकर महीने के 40 से 50 लाख रुपए कमा लेते हैं। लेकिन इनकी करियर की शुरुआत दूसरे के यूट्यूब चैनल से हुई। खान देसी मूवी इनका पहला यूट्यूब चैनल था, जहाँ से इन्होंने अपनी कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू किया था। इनकी वीडियो को छोटे बच्चे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। यही वजह है कि छोटू दादा आज इतने ज़्यादा फेमस हैं। दोस्तों, छोटू दादा की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जिससे वह प्रसिद्ध हुए हैं, क्योंकि छोटू दादा की करियर की शुरुआत इतनी आसानी से नहीं हो गई थी। बात 2016 की है, जब छोटू दादा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गए हुए थे। तब छोटू दादा ने एक्टिंग और यूट्यूब करियर का सोचा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने वहाँ एक शूटिंग होते हुए देखा जो चल रही थी। शूटिंग के कैमरामैन असीम अंजुम थे, जो कि छोटू दादा को पहले से ही जानते थे। तो उन्होंने उसकी पहचान उस शूटिंग के डायरेक्टर असीम अलवेला से कराई और छोटू दादा को एक छोटा रोल देने को कहा। तभी से उस दिन से छोटू दादा के यूट्यूब और एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार है छोटू दादा की स्टार्टिंग करियर। और क्या आप छोटू दादा के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? तो कॉमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।